अस्सलाम वालेकुम टिप्स टाइम के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। वेलकम दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही कमाल का नुस्खा आप अहबाब की हिस्मत में लेके आए। दोस्तों आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी का एक ऐसा नुस्खा फराम करने वाला हूँ जिसको ना ही कभी आपने सुना होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। दोस्तों जिन अहबाब का नफ्स छोटा है और वो चाहते हैं कि फोन बड़ा हो जाए, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। नुस्खा बताने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों आपने करना क्या है कि भाग के किचन में जाएं और देसी प्याज ले लें। दोस्तों देसी प्याज लेना और उसे दरमियान से काट लेना है। दोस्तों गाय या भैंस का दूध मिले उसमें प्याज को भुगो के रखते हैं। दोस्तों 2 से 3 दिन तक प्याज उसमें भुगो के रखें, उसके बाद प्याज को निकाल लें और साय में खुश्क कर लें। दोस्तों जिस टाइम वो खुश्क हो जाए, पापड़ की मानद हो जाए, तो दोस्तों इसका सफोफ बना, और दोस्तों इस सफोफ को आपने जब भी आप हम बिस्तरी के लिए जाना चाहें तो उससे आधे घंटे पहले ये सफोफ दोस्तों आपने आधी चम्मच इस्तेमाल करनी है, खा लेनी है, और इसके साथ आपने दोस्तों आधा कप नीम गर्म दूध पी लेना है। चाय वाला आधा कप नीम गर्म दूध का आपने इसके साथ लाजमी पीना है दोस्तों, के इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपका नफ्स मिनटों में बाहर आ जाएगा और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे लाइफ को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कल एक और वीडियो के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।